जत्थेदार ने पुलिस को सूचना दी, ये जानकारी मिल रही है, और मोगा पुलिस ने आकर इसको गिरफ्तार कर लिया। 36 दिनों का वक्त हो गया सतेंद्र, एक महीने से ज्यादा का वक्त पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस की कई टीमें सर्च ऑपरेशन में लगी हुई थी, खुद आईजी लीड कर रहे थे, लेकिन ये कमिश्नर को जिस तरह से इसने चैलेंज किया, आईजी को, गृहमंत्री को, किस तरह से नेताओं को, चाहे वो पक्ष में थे या विपक्ष में, सबके लिए तो चुनौती बना हुआ था। सबसे बड़ी बात, चुनौती तो देश के लिए बना हुआ था, जिस तरह से ये साजिशें कर रहा था, आईएसआई कनेक्शन सामने आ गया, दुबई में एजेंट से जाकर मिलना, फंडिंग करना, देश को दहलाने की प्लानिंग करना, तो ये अपने आप में इसकी अगर पकड़, इसकी गिरफ्तारी बहुत राहत की खबर होगी। देखिए, बिल्कुल राहत की खबर है, और ऐसा शख्स जो देश में रहकर देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, ऐसे शख्स को जितना भी जल्दी हो गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन ये शख्स इतना शातिर था कि पुलिस के से दो कदम हमेशा आगे रहता था, और यही वजह है कि लास्ट मोमेंट तक भी ये पुलिस को चकमा देता रहा है। और अभी जो खबर निकल कर आ रही है, मोगा जिले के रोडेवाल गुरुद्वारे में इसने जो है जत्थेदार से फोन कराया है, या फिर यूं कहें कि जत्थेदार ने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर जाकर इसको गिरफ्तार किया गया है, और अब इसे अमृतसर ले जाया जा रहा है। अमृतसर से, क्योंकि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मोगा से अमृतसर बेहद पास है, और वहां से इसे आसाम की डिब्रूगढ़ में जेल में भेजा जाएगा, जहां पर इसके अन्य साथी उसी जेल में बंद है। लेकिन आशुतोष, यहां पर क्रोनोलॉजी आप देखिए कि एक साल पहले ये शख्स दुबई से हिंदुस्तान आता है, आते ही धार्मिक चोगा पहन लेता है, और पहले दिन से ही ये एक जो धार्मिक भावनाएं बनी हुई थी उनके साथ खिलवाड़ करने लगता है, गुरुद्वारों में जाकर तोड़फोड़ करता है, गुरु घरों में जाकर तोड़फोड़ करता है, जो बुजुर्ग हैं जिनके घुटनों में दर्द होता है वो गुरुद्वारों में बैठ सकते हैं, उनको चुनौती देता है, उनको गुरुद्वारों से बाहर निकाल देता है, और यानी कि एक कट्टरपंथी की मिसाल पेश करता है, और अपने आप को एक हीरो के रूप में, एक अवतार के रूप में पोर्ट्रेट करता है। इसने अपने गांव जुल्लू खेड़ा में बहुत बड़ी दस्तारबंदी की, जगह जगह पर ये वहीर निकालता था, और सीधे सीधे जहां पर भी धर्म के आस्था के स्वरूप को समझते हुए लोग आ जाते थे तो उनको भड़काने का काम करता था, उन लोगों को शासन के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ भड़काता था, और यही पर ये खालिस्तान की मांग करता था। और अब देखिए, जब इसका ये पूरा नेक्सस टूटा तो बहुत बड़े खुलासे हुए, आईएसआई का रोल सामने आया, फॉरेन फंडिंग का मामला सामने आया, विदेशों से बड़े लेन देन का पता चला, इसका एक सहयोगी कलसी जिसको गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था, उसके पाकिस्तानी खातों से 38 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में आए हुए थे। बिल्कुल, तो ये शख्स कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था। सतेंद्र, जरा इसके मायने भी हमें समझा दीजिए, ये दर्शकों को हम तस्वीर दिखा रहे हैं, दर्शकों को हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए सतेंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए जानकारी दे रहे हैं, हम रुक करेंगे सतेंद्र का, लेकिन इसके पहले ये जो दो तस्वीर दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें सामने आ गई एक्सक्लूसिव तौर पर आज तक अपने दर्शकों को दिखा रहा है, ये चुनौती बना हुआ था, वही अमृतपाल सिंह जो अजनाला कांड का आरोपी था, मुख्य आरोपी था, और वो फरार चल रहा था, भगोड़ा घोषित किया गया था, 36 दिन के बाद आखिरकार इसने सरेंडर किया है, क्योंकि इसके पास अब कोई भी बचने का रास्ता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग कोशिश में थे कि ये बच जाए या बचा लिया जाए, उनकी संख्या बेशक कम थी, लेकिन वो भी समझ गए कि अब इसके पास कोई विकल्प नहीं है, अब आखिरकार इसको सरेंडर करना ही पड़ा। हमारे साथ सतेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं, सतेंद्र जरा ये भी बता दीजिए कि अमृतपाल सिंह के जो ये पुलिस गिरफ्त में आ गया, इसके कितने बड़े मायने हैं उनके लिए भी, जो खालिस्तान का भ्रम अपने मन में पाले हुए थे, जो झंडा कभी कभी लेकर इधर उधर नजर आते थे, चाहे अपनी सरजमी पर या फिर विदेशी सरजमी पर, अब ये कितना बड़ा झटका है उनके लिए, क्योंकि भारत, अगर भारत के कानून को पालन आप करते हैं, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कानून और हमारे संविधान से बड़ा कितना भी कोई बड़ा अपराधी बनने की कोशिश करे वो नहीं है, और देश की जनता देख चुकी है। आशुतोष, देखिए, अगर शुरुआती दौर से इस पूरे मामले को समझे तो आपको एक चीज तसल्लीदायक यहाँ पर मिलेगी कि अमृतपाल अगर पहले दिन ही पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो कानून व्यवस्था की स्थिति बन सकती थी, दूसरा ये लोगों के सामने एक बहुत बड़ा हीरो बन सकता था, लेकिन जैसे ही ये पुलिस से भागा, इस पूरे ऑपरेशन को हमने कहा कि पुलिस फेल हुई, पुलिस का फेलियर है, लेकिन वो फेलियर सक्सेस किस तरीके से बना आप एक चीज समझिए, अगर ये भागता ना और पुलिस के सामने सरेंडर शुरुआती दौर में कर देता या गिरफ्तार हो जाता तो ये हीरो बन जाता और इसकी सच्चाई दबकर रह जाती, लेकिन जैसे ही ये भगोड़ा हुआ, पुलिस के हाथों से फरार हुआ,
इसकी सच्चाई एक एक करके सामने आने लगी और पहले दिन से ही लोगों ने मान लिया कि ये वाकई में एक बहरूपिया था, एक फरोड़ था जो कि लोगों को भड़काने के मकसद से आया था। तो हम लगातार ये कह रहे हैं कि पुलिस का ये ऑपरेशन फेल हुआ, लेकिन मैं इसे इस तरीके से देखता हूं कि पुलिस को ये भगोड़ा इसको साबित करके बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि जो इसका असली रंग है, जो इसका असली रूप है, वो इसके भागने के बाद ही सामने आया है। और देखिए, ये जो लंबा एक समय रहा 36 दिन का, इसमें एक सबसे बड़ी बात ये रही कि जो इसके समर्थक थे, जो इसके साथ चाहे धार्मिक आस्था के रूप में या किसी भी तरीके से जुड़े हुए थे, वो एक एक करके पीछे हट गए और उन लोगों ने इसका पूरा रूप रंग देख लिया, और यही शायद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। फिलहाल एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि अमृतपाल ने मोगा जिले के रोडेवाल गुरुद्वारे में जाकर वहां पर शरण ली और वहां से गुरुद्वारे के ग्रंथी ने बाकायदा पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म किया। पुलिस की टीमें गुरुद्वारे पहुंची, अमृतपाल को हिरासत में लिया और गिरफ्तार करने के बाद उसे अमृतसर अब पहुंचा दिया गया है और यहीं से अमृतसर एयरपोर्ट। सत्येंद्र, आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और निश्चित तौर पर आपने महत्वपूर्ण बात कही कि जो ये हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, फिलहाल लोगों के सामने ये जीरो हो चुका है और कितने भी धार्मिक रंग देने की कोशिश करे, देश से बड़ा और यहाँ के संविधान कानून से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। देश की जनता भी देख रही है।